तो भाई बज रहे हैं 10 और आज शुरू करेंगे हम अपना तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक। जो आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं ये एंट्रेंस है भाई, यहाँ से आप ऊपर जाते हैं तब चलते हैं। अगर आप तुंगनाथ आ रहे हैं या चंद्रशिला जा रहे हैं तो आपको रुकना पड़ेगा चोपटा में, और चोपटा में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत पता है क्या है? लाइट की, क्योंकि यहाँ पर है सोलर, तो ये सोलर सुबह चार्ज होते हैं और सिर्फ यहाँ पर रात को लाइट रहती है। तो हो सके तो जितना ज़्यादा एक्सटेंशन लेके आ सकते हैं वो ले आओ। और ट्रैक हमने शुरू कर दिया, मैं इसलिए बता रहा था सुबह हमें बहुत दिक्कत हुई थी बिना लाइट के, तो आगे चलते हैं। 50 मीटर हुआ है अभी, पहला रेस्ट हो गया लौंडों का। तो भाई मैंने कसम खाई थी हमें पहाड़ी आदमी, तो बैठना है नहीं चलते जाना, बट अपने साथ के लड़के थक गए थोड़े। देखो भाई ऐसा है, बहुत टाइम बाद तुम ट्रैक कर रहे हो ना, तो हालत तो सबकी खराब होगी। कितनी फिट है ये? बैठेगा नहीं, ऐसे लुढ़कता हो जाएगा नीचे। एक बार लुढ़केगा फिर दोबारा आएगा वीडियो में। 100 मीटर रोनी आएगा दूसरा, और 300 दिखा। क्या शर्त लगी थी? फोन रुकेगा सबसे पहले काशी भाई, बैठा ही था सबसे पहले, बैठा नहीं बैठा। ऊपर पहुंच के दिखाएंगे यार, मेन बात है ऊपर पहुंचने की, फोटो पहुंचेंगे ही। हां तो भाई 300 मीटर पे हमारा दूसरा ब्रेक, 300 मीटर पे दूसरा ब्रेक और तीसरा। तो भाई देखो दिक्कत क्या है, अगर तुम इस टाइम आ रहे हो तो फिर भी सही है, अगर तुम दिसंबर और जनवरी में आ रहे हो तो हमने भैया से पूछा था, वो बता रहे थे तुम्हें 12 किलोमीटर और ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी ऊपर आती नहीं है। अभी हम चोपटा तक आए तो वैसे गाड़ी चोपटा तक आती नहीं, नीचे नीचे रहती है, तो 12 किलोमीटर वो करोगे ट्रैक और 4 किलोमीटर ये 16 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ेगा अगर आप दिसंबर या जनवरी में आते। तो भाई यहाँ पर रुके हुए हैं काशी भाई, देखो कहाँ लेटा हुआ। काशी भाई ने अपनी जगह ले लिया, और मगर तुम सोच रहे हो ना गुज्जी भाई झूठ बोल रहे, कोई ठंड वंड नहीं हो रही, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी जरा। गुज्जी भाई ठंड नहीं है गुज्जी भाई, गुज्जी भाई झूठ बोल रहे हैं। देखो पानी में भी बर्फ़ जम गई है, देखो देख रहे हो तुम भाई साहब? मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था, मैं सोचा पानी पानी है, अब देखा मैंने बर्फ़ जमी। भाई तो अगर पीछे आपको व्यू दिख रहा होगा ना पहाड़ों का, तो देख लो कितना खतरनाक, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है थोड़ा ट्रैक सक्सेसफुल हुआ, इतना ट्रैक करके व्यू मिला अच्छा। और एक चीज़ आपने देखी होगी, पहाड़ियों को पता होगा भाई, जितने मंदिर होते हैं ना हमारे, वो गांव नीचे होता है मंदिर सबसे हाइट में होता है, तो वैसे ही है, पर यह कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल 12,500 फीट, तो अभी तो हमारा 4,000 भी नहीं हुआ शायद, 12,000। मैं सोच रहा हूँ मेरी अभी इतनी सांस फूल रही, मैं ऊपर जाऊँगा तो कैसे ब्लॉग होगा। और भाई हमारे बंदे देखो रेस्ट, मिस्टर कनाडियन की ऐसी हालत ख़राब है ना, कनाडियन बॉय, तो हम आराम आराम से कर रहे हैं ट्रैक, मतलब इतनी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि देखो ऐसा है हमें ऊपर जाना है, हमें शाम तक रहना है, हमें सनसेट के बाद ही आएंगे हम, तो हमें ऊपर जाने की कोई टेंशन नहीं है। बट भाई हमने शुक्र मनाओ हमने पानी रख लिया, पानी हम ख़त्म कर चुके हैं अब इतने से ट्रैक में। पर मैं पहाड़ी हूँ ना, मतलब पहाड़ियों की थोड़ी शान बनी रहती कि उनकी थकान वकान उनके लिए, तो मैं ऐसा हो नहीं रहा ना, बैठ रहा हूँ ना कुछ, आराम से। मेरे को वैसे इतनी दिक्कत होती है, मैं अपने गाँव गाँव भी जाता हूँ, भले ही शहर में एक बार जाऊँ तो मंदिर वंदिर जाता हूँ तो ट्रैक कर लेता हूँ, इसलिए आराम से घूम रहा। बाकी तुम व्यू व्यू देखो
भाई जैसे तुम सोच रहे हो कि हम लोग थक गए हैं, हमारे में एक कनाडियन बॉय है वो थक गया, पर इंडिया वालों की तो वो देखोगे तुम। साले भारत का अन्न खाया हमने, चल लगा भाग। तो ये नमो नमो गाना सुन रहा है काशी, तब से भागे जा रहा, रुक ही नहीं रहा, नीचे से भागता आ रहा। नमो नमो बजते इस पे इतनी जान आ गई, कह रहा मेरी टिकटॉक बना देना एक नमो नमो वाली। ये कनाडियन बॉय हर 5 सेकंड बाद इसका रेस्ट हो रहा। कल शर्त लगी थी, तो कल भाई शर्त लगी थी शाम को कि कौन सबसे पहले बैठेगा, तो काशी और मेरा नाम आया था कि हम सबसे पहले बैठेंगे। कनाडियन बॉय थोड़ा लेट, बट सबसे पहले थका है कनाडियन बॉय। क्या बोल रहा था रानी भाई? ये यूँ कह रहा है इंटरनेशनल फ्लाइट खुल रहा, मुझे कनाडा वापस जाना है। मुझसे कह रहा जैसे बद्रीनाथ में ना हेलीकॉप्टर 2500 रुपये देखे, कह रहा यहाँ भी है क्या कोई हिसाब? मैं कहा भाई कोई हिसाब नहीं है, यहाँ सिर्फ पैरों से चलेंगे। कह रहा ट्रॉली भी है कोई 500 रुपये में? मैं कुछ नहीं भाई, अब पैदल चल भाई। रानी भाई लौंडे ने हार मान ली है, कह रहा भाई ब्लॉग में बेइज्जती कर ले, पर बैठ के जाऊंगा। कह रहा ब्लॉग में बेइज्जती कर लो, बट जाऊंगा अपने हिसाब से। तो भाई भैया लोग वापस ही आ गए। भैया कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा भाई। कितने बजे निकले थे भाई जी? हम निकले थे 10 बजे। बड़ी जल्दी कर दिया आपने, चलते 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 चलते। तो भाई भैया लोग कितना दूर रह गए भाई जी? अभी तो मिनिमम समझ लो अगर चले जाए तो 2 किलोमीटर चंद्रशिला तो बहुत ऊपर हो गए। नहीं चलने में हालत खराब हो गई। पार्टी भैया? हाँ भाई जी। भाई जी भाई जी ने बताया भाई चंद्रशिला भैया गए नहीं, भैया कह रहे हैं और हालत खराब हो गई, इसीलिए तो आए हैं मेरठ से इतनी दूर। भाई उन्होंने जल्दी करी ट्रैक, हम करेंगे आराम आराम से। हमें आना है सुबह शाम को, हमें आना मतलब रात को बिल्कुल अंधेरे पे, और इधर रहना पड़ेगा, ये हमारी कुटिया। तो भाई काजी भाई ज़्यादा दूर नहीं है भैया, तेरे लोगों को ज़्यादा दूर नहीं है भाई? मैं तो पोज दे रहा हूँ फोटो के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है काजी भाई, मेरे मुँह से फोन निकल रहा है। वो दिख रहा है घर, वहाँ जाना है अभी लास्ट में। तो अभी तक हम ना खुश थे, यहाँ तक रास्ता नहीं दिख रहा था। वो अच्छा तो वो घर दिख रहे हैं आपको छोटे से, हाँ वहाँ जाना है। और अभी तक तो हम यहाँ से आए थे ना, हमें पता नहीं लगा रास्ता ना, बट जब ऐसे गए कई सारे घर उधर, वहाँ देखो भाई वहाँ जाना, ये रास्ता देख के हालत खराब होगी। एक भैया हमारे साथ हैं, साथ साथ चल रहे हैं भैया, बहुत आराम आराम से। अब चंद्रशिला जाना भाई हमें, हम रुकेंगे नहीं। तुंगनाथ में भैया कह रहे हैं हालत खराब होगी, बट कोई बात नहीं, मैं रुकेंगे, रुक के जाएंगे। सॉरी भाई रुक के जाएंगे भाई, हालत खराब हो रही है भैया, मुँह से खून भैया, मेरे मुँह से निकल रही भैया, मुँह से खून भी आ रहा है भाई, मुँह से खून आ रहा है। ये देखो खून की उल्टी कर रहा भाई, वो पोज के लिए था भाई। जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ देखना है ना और टक से मौत को छू के आना, तो ये देखो माउंट एवरेस्ट। तो भाई तुंगनाथ आने वाला, तो भाई तुंगनाथ ट्रैक मालूम है ना, तेरी बस की नहीं है भाई, गुच्ची भाई क्लासी है भाई। तेरा भाई ट्रैक करता है भाई, थोड़ा सा रह गया, अब ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पास में है। तो आओ ना, तो 3-4 लोगों के साथ आना। देखो ऐसा है, अगर अकेले आओगे तो भूल जाओ तुम ये ट्रैक कर पाओगे, और ना तुमसे कुछ होगा, इसलिए अपने भाई लोगों के साथ आओ। और एक पहाड़ी बंदा भी ले गया था लाइक मी, तुम्हारा बैग उठा सके। ये देखो दो बैग उठा के चल रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट दे रहा हूँ इन्हें थोड़ा। तो भाई फाइनली रोनी भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्या 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 कोई दिक्कत नहीं है रोनी भाई कह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 दिख रहा है, मतलब 12,500 फीट, सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल। काशी भाई आए सबसे पहले,
तो भाई यहाँ आए हम तुंगनाथ मंदिर, तो जितने भी छोटे 5 मंदिर थे ना वो शंकराचार्य ने बनाए हुए हैं। तो अगर आपको मूर्ति देखनी हो इन मंदिर की तो आपको आना पड़ेगा जब ये क्लोज होता है। जब कपाट बंद होते हैं तो बड़ी पूजा होती है तो सारी मूर्ति जितनी होती है निकाली जाती है बाहर। और उसके बाद यहाँ पे पार्वती का भी एक छोटा मंदिर है, देख सकते हैं आप। तो पार्वती जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, और जो 5 छोटे छोटे मंदिर हैं शंकराचार्य जी के द्वारा बनाए गए हैं उनकी अगर मूर्ति देखनी है तो जब यहाँ पर कपाट बंद होते हैं तुंगनाथ के तो बहुत बड़ी पूजा होती है। एक तारीख निकाली जाती है, उस तारीख में बहुत बड़ी पूजा होती है। उस टाइम पे आप ये सारी जितनी छोटे मंदिर हैं इनकी मूर्ति देख सकते हैं। अभी आप देखोगे कोई भी मूर्ति नहीं होगी उस टाइम पे। तो भाई हर मंदिर में जाओगे तो तुम्हें देखेंगे बंदर ही बंदर, पर तुंगनाथ आओगे ना भाई लंगूर, भाई इतने ज़्यादा लंगूर हैं ना यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं भाई चंद्रशिला की तरफ, यहाँ से निकलेंगे। तुंगनाथ से 2 किलोमीटर का ट्रैक और करना है हमें, फिर जाना है सीधा। ट्रैक देखोगे तुम भाई कितना ऊपर है, देख रहे हैं यार। एक्सपीरियंस पहाड़ों में अगर तुम्हें ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराना हो, थोड़ा प्रमोशन वर्मोशन करवाना, तो हमें आपको तरीका बता दें, आप ज़्यादा लोग तक आपकी पहुंच हो सकती है। देखो मतलब तो भाई हमारे लड़के कह रहे थे केदारनाथ ट्रैक करेंगे, अभी इन पर तुंगनाथ ट्रैक हुआ, चंद्रशिला अभी बेरे, पर इतनी ट्रैकिंग के बाद लग रहा है क्योंकि जब हम नीचे थे ना ये पहाड़ इतनी ऊपर ऊपर थे, पर जब हम अब आए ना तो अब बराबर से लग रहे, तो टक्कर का मुकाबला हो रहा है हमारे सेना। रोनी भाई चलो भाई रोनी भाई थके सबसे ज़्यादा, पता कल हमारी शर्त लगी थी काशी और मेरे पे नाम आया था हम थकेंगे, बट काशी और मैं फिट है, एक लड़का थोड़ा हो जाता है कभी, मतलब बाहर का अनाज खाने से ऐसे ही होता है। भाई ने बोला था ब्रेक लेके जाना, भाई की बात मान रहा हूँ मैं। तो एक लड़का मिला था अभी, उसने कहा कि मतलब वॉर थीट है पर तुम्हें थोड़ा आराम आराम करके जाओ आराम से, तो हमारे लड़के कहते ही उसके कहते ही जैसे ही उसने कहा आराम कर लो एकदम बैठ गए दूसरे उसमें। और सबसे बड़ी दिक्कत दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे लोगों ने पन्नियाँ फेंक रखी है, कचड़े फेंक रखे, और मेरे साथ के जितने लड़के हैं हमने अभी लेस खाया था और सारा कचरा हमारे बैग में। तो ये होता अच्छी किसी जगह आ रहे हो घूमने तो उसे ना बर्बाद मत करो। ये जो व्यू है ना काशी भाई मस्त लग रहा है, तो यहाँ पर ये होके आए हैं। हाय आप बता दे so happy. ये चंद्रशिला होके आए बिल्कुल टॉप पे, तो अब ये कह रहे हैं अच्छा है इतनी ट्रैक करने के बाद बहुत फायदा है। एक हमारा ट्रैकर वहाँ मिस्टर कनाडियन बॉय, जब ट्रैक स्टार्ट करा था इतने बड़े बड़े पहाड़ लग रहे थे, सारे पहाड़ जो हमसे नीचे हैं, बहुत नीचे भाई, क्योंकि हम पहुँच गए हैं पूरे 13,500 फीट पे, थोड़ा सा और रह गया बस 14,000 फीट अपना पहला ट्रैक होगा। काशी भाई का भी पहला ट्रैक है ना 14,000 फीट का। मैं तुम पे पिछली बार आया था, पिछली बार काशी तुंगनाथ आया था तो यहाँ पे ओले ओले पड़े थे, काशी भाई पीछे बैक ऑफ कर गए थे, बट इस बार नहीं। चलो बॉयज रोनी भाई जस्ट, तो भाई आखिरकार बिल्कुल पहुँच ही गए हम लोग 14,000 फीट चंद्रशिला। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, काशी भाई वी डन इट, आखिरकार कर ही लिया 14,000 फीट। रोनी कम अप मैन, भाई जन्नत लग रहा है कि 14,000 फीट आए हैं।
अब पता कहाँ जा रहा है। रानी वानी पीछे कर लिया।